नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीडीएस के आज नए टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले हम एक चैप्टर फिजिक्स में और एक चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आज हम अपना केमिस्ट्री में एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज की इस क्लास में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे एसिड्स और बेसिस आपस में अलग अलग हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो पहले हम अगर एसिड्स की बात करें तो दे ऑन डिसोसिएशन रिलीज एच पॉजिटिव आयंस। वहीं बेसिस जब डिसोशिएट होंगे तो वो कौन से आयंस रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव आयंस। एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। वहीं बेसिस के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करें अगर इनकी पीएच की तो एसिड्स की जो पीएच है वो 7 से कम होती है और मिनिमम कहाँ तक जाती है? 0 तक। वहीं बेसिस की पीएच जो होती है वो 7 से ऊपर होती है और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 14 तक। अब इसका मतलब जो 7 पीएच है ना वो बेसिस में है ना वो एसिड्स में, तो इसका मतलब जो 7 पीएच है वो किसकी है? वो है सॉल्ट्स की। एक और बात जो हमें ध्यान देनी है दैट स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव लो पीएच वैल्यू एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि अगर हाई पीएच वैल्यू हो गई तो वो एसिड वीक कहलाएगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्गर बेसिस है वेरी हाई पी एच वैल्यू एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाईली एल्कलाइन इन नेचर एंड वाइस वर्सा। एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव अ सोपी टच। ठीक है, लिटमस पेपर पे इनका क्या एक्शन होगा? किसी भी रंग का अगर लिटमस पेपर होगा तो दे विल टर्न इट इनटू रेड, और बेसिस जो है वो लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देंगे? ब्लू कलर। एक और चीज जो हमें ध्यान देने वाली है वो है बेस की एक स्पेशल कैटेगरी जिन्हें बोला जाता है एल्कली बेस। अब ये एल्कली बेस क्या चीज हुई? तो दोज बेसिस विच आर इन वाटर आर नोन एज एल्कली बेसिस। इनके जैसे कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे NaOH हो गया, MgOH होल्ड वाइस हो गया, KOH हो गया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया वगैरह वगैरह। ये जो होते हैं ये होते हैं एल्कली बेसिस। समझ आया होगा आपको इतना अभी तक? ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं PYQ। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है CDS 1 2020 में आया हूँ जिसमें बोला गया है कि अ सॉल्यूशन हैविंग pH नियरली इक्वल टू 0 विल बी। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं उनकी बहुत ही कम वैल्यू होती है। कम वैल्यू का मतलब वो जीरो की तरफ झुकाव करेंगे। तो अ सॉल्यूशन जिसकी नियरली जीरो के बराबर होगी pH वो क्या होगा? दैट विल बी हाईली एसिडिक इन नेचर। समझ में आया होगा? तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन होगा। आया होगा आपको समझ में? अगला जो क्वेश्चन है वो था CDS 2 2021 में आया हुआ। इस सवाल में हमें तीन स्टेटमेंट्स दिए। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ऑल बेसिस आर एल्कली। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि एल्कली बेसिस एक स्पेशल कैटेगरी के बेस है जो कि पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो पानी में सोल्यूबल नहीं होता, तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। अगर आप अभी यहां पर ही ध्यान दें, दूसरे स्टेटमेंट की तरफ पहले बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एल्कलीज डिजॉल्व इन वाटर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि एल्कली बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। पहली स्टेटमेंट गलत और दूसरी बिल्कुल सही। तो अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी चलेंगे तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वन तो एलिमिनेट हो गया, जिस भी ऑप्शन में वन है वो गया, और टू किस में? सिर्फ और सिर्फ सी में। तो सी ऑप्शन सही। भी देख लेते हैं कि एल्कलीज जो कि बेसिस होते हैं दे आर बेटर इन टेस्ट, ये दिया है स्टेटमेंट में। दे आर सोपी इन टच, और एक चीज जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई थी वो है कोरोसिवनेस, कि दे आर कोरोसिव है थ्री में भी। तो टू एंड थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बिल्कुल सही से समझ में आया होगा और आपकी CDS या फिर CAPF या FCAT की जर्नी काफ़ी अच्छे से आगे चल रही होगी। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि NDA और CDS के लिए मैथ्स की क्लासेस लेके आएँ, लेकिन सबसे पहले कोशिश रहेगी कि हम साइंस की एक एक करके टॉपिक वाइज पूरा का पूरा क्लियर कर लें। गर्मी की मार आप सभी झेल रहे होंगे ऐसा लगता है, तो याद रखना कि आतंकवादियों को मारने के लिए ये गर्मी की मार तो आपको हंसते हंसते झेलनी होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। मिलेंगे हम जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद।